देखिए, ये बहुत दुखद है कि जो भागलपुर है, जो सिल्क सिटी है, जहां पर अमन चैन था, आज वहां अमन चैन नहीं। वो अफजाल अंसारी जो सिल्क उद्योग के व्यापारी थे, सिल्क इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहे थे, मैं उनके परिवार को जानता हूं, एक बेहतरीन परिवार से वो थे और सिल्क इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे थे, और थाने के बगल में ही उनको गोली मार दी गई। 5-6 गोलियां उनके अंदर लगी, कई राउंड गोली चली, अपराधी बेखौफ गोली मारकर चले गए। क्या होगा बिहार का? पहले बेगूसराय में, उससे पहले पटना में, और भागलपुर के अंदर जो अफजाल अंसारी जो उद्योगपति हैं सिल्क के, उनकी जो हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों को सख्ती से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अपराधी और अपराध करने वाले कोई जात पात और मजहब नहीं देखते, वो सिर्फ अपराध करते हैं, उनको जातीय चश्मा से देखना बंद करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।